दोस्तों, इस वीडियो में ये जो 2x2 का जो रूबिक्स क्यूब है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम 3x3 के जैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। अगर 3x3 का क्यूब आपको सॉल्व करना नहीं आता है, तो सबसे पहले तो वो मेरे आपको रिकमेंडेशन है कि आप वो सीख लीजिए। वो सीखना है तो इस वीडियो के वहां पर, यहाँ पर जो आई बटन है, यहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। अगर आपको 3x3 का क्यूब आता है, तो ये जो 2x2 का है, बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा, क्योंकि उसी के ही कुछ स्टेप्स जो है हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं और इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पहला लेयर जो है वो बनाना पड़ता है। यहाँ पर जो कलर आपको जिसका बनाना है, उसको आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आपको कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसका मालूम रहना चाहिए। तो कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ दो कलर का ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे येलो का बनाते हो, तो येलो के यहाँ पर व्हाइट कलर जो है, इसका ऑपोजिट कलर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे अगर आप ग्रीन का बनाते हो, तो ग्रीन के अपोजिट जो है वो ये ब्लू कलर जो है, वो ग्रीन के अपोजिट यहाँ पे आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप जिससे शुरू करते हो, सिर्फ उसका ऑपोजिट कलर जो है, उसको ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम येलो से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम येलो कलर का जो है पहला लेयर जो है वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो येलो कलर के लिए देखिए, जैसे आपको येलो कलर का बनाना है, तो एक जो येलो है आप ऊपर ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये तीनों ओर पर यहाँ पर आपको येलो बनाना है। तो आपको सबसे पहले ये जो येलो कलर है, इस येलो कलर को यहाँ पर या फिर यहाँ पर, जैसे हम 3x3 में ऐसे कोनों में देखते हैं, तो यहाँ पे आपके होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो येलो कलर है, यहाँ इसका जो जोड़ीदार है, वो इसे हमें यहाँ पर फिक्स करना है। तो इस येलो कलर को, ये जो येलो कलर है वो यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है, मान लीजिए कि रेड कलर है, ठीक है, तो ये कलर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कलर यहाँ पे होना चाहिए और येलो कलर यहाँ पे होगा, तो हम इसे ऊपर यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो देखेंगे कि कहाँ पर है। ठीक है, तो क्यूब को हम घुमाते हैं। आपको सबसे पहले, अब देखिए, येलो कलर तो यहाँ पे है, लेकिन ये कलर जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका मिसमैच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है येलो यहाँ पे है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम क्यूब को ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, 3x3 के जैसे ही हम इसे बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। अब फिर से मैं वही स्टेप करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको ऐसे घुमाएंगे, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट को राइट में घुमाएंगे, लेफ्ट का जो कोना है उसे ऊपर से नीचे, फिर से इसे वापस और फिर से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो येलो कलर है यहाँ पे और ये कलर इसके नीचे अगर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टेप ये करनी है कि ये अगर आपकी लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट से ऐसे राइट में घुमाएंगे। अगर ये राइट में होता तो राइट से हम लेफ्ट घुमाते। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट घुमाए, इसलिए लेफ्ट साइड को ऊपर से नीचे लाएंगे। फिर से हमने इसको ऐसे घुमाया था, फिर से वापस ले जाएंगे। अब ऊपर से नीचे लाए थे, इसलिए नीचे से ऊपर, तो ये हमारा येलो येलो बन जाएगा और ये कलर भी सेम हो जाएगा इस प्रकार से। अब हमें और दो जो येलो है यहाँ पे लाकर फिक्स करने हैं। ठीक है, तो कहाँ पे देखेंगे, अब ये कलर जो है वो नीचे होना चाहिए और येलो हमारे सामने, तो यहाँ पे ये मिसमैच है, ऑरेंज कलर है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कलर जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले तो इसे यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे इसको, ऐसे नीचे ऐसे लाएंगे, ऐसे फिर से। ठीक है, ये आ गया। इसको हम देखेंगे कि इसका जो ग्रीन कलर है वो नीचे होना चाहिए, और ये जो येलो कलर है यहाँ पे, जो येलो कलर है वो यहाँ पे है, तो ये है हमारे राइट में। तो राइट से हम इसे लेफ्ट घुमाएंगे, राइट साइड को ऊपर से नीचे लाएंगे। अब ये ऐसे लाए थे, फिर से वापस और ऊपर से नीचे लाए थे, इसलिए नीचे से फिर से ऊपर, तो ये हमारा येलो हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन भी मैच हो जाएगा और ये हमारे भी हैं। अब एक जो येलो कलर है, देखेंगे कि कहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर है, तो इस येलो को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो येलो है, ठीक है, आपको यहाँ पे लाना है। तो हमारी येलो कलर यहाँ पे है। ठीक है,
और येल्लो यहाँ पे है, तो इसके नीचे ये जो ऑरेंज कलर है ये होगा ही होगा। तो इसको हम राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, राइट साइड को ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर जो है ये आपका बन जाएगा, ये कलर भी आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2x2 का जो क्यूब है इसका फर्स्ट लेयर हम बनाएंगे। अब इसके अपोजिट, येलो के अपोजिट व्हाइट होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे व्हाइट का लेयर बनाना है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 4 व्हाइट मिल सकते हैं, 2 व्हाइट मिल सकते हैं, खाली 1 व्हाइट मिल सकता है या फिर एक भी नहीं मिल सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक व्हाइट जो है तो आपको 90% तो एक व्हाइट तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो व्हाइट है उसे अपनी जगह पे फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अब इसको हमने फिक्स किया, तो ये जो कलर है ये यहाँ पर है, ये जो कलर है यहाँ पे, और व्हाइट ऊपर होगा, तो ये इसकी सही पोजीशन है। इसके बाद हमें देखना है कि हमारे क्यूब के जो एजेस हैं वे अपने सही जगह पे बैठे हैं कि नहीं। जैसे हम 3x3 के क्यूब में जांचते हैं, इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी जांचना है। तो जांचना ऐसे है, तो ये जो कलर है या तो यहाँ पर होना चाहिए, या तो यहाँ पर होना चाहिए, या फिर ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर है हमारा व्हाइट, तो ये जो कलर है कहीं पर भी नहीं, यानी ये कोना गलत बैठा है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाइट है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, और ये यहाँ पे, तो ये अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ग्रीन कलर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो ये गलत बैठा है। ठीक है, तो ये सही बैठा है और एक दूसरा सही बैठा है और 2 गलत बैठे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, आपको एक जो सही है सिर्फ वही आपको मिलेगा, तीनों गलत बैठे हुए मिलेंगे, या फिर आपको 2 सही मिलेंगे, 2 गलत मिलेंगे। तो इसके लिए हमें जो 3x3 के क्यूब में हम जैसे कोनों को फिक्स करते हैं उसी प्रकार से आपको इसे फिक्स करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ठीक से बैठा हुआ है उसको आप राइट साइड में रखेंगे। राइट साइड में रखने के बाद आपको जो 3x3 में करते हैं हम, इसको लेफ्ट साइड को नीचे से ऊपर, ठीक है, तो टॉप लेयर जो है उसको लेफ्ट में घुमाएंगे, राइट साइड को नीचे से ऊपर लेंगे, लेफ्ट को ऐसे, टॉप को ऐसे घुमाए थे, फिर से वापस, ठीक है, हमारे येल्लो आ जाएंगे तो इसे हमें नीचे लेना है। ठीक है, तो ऊपर का फिर से हमें लेफ्ट घुमाना है, येल्लो आ जाएंगे तो नीचे। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा, फिर से हमारे कोने अच्छी तरीके से अपनी जगह पे बैठे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एक बार घुमाते हैं, तो ये जो है ये कलर यहाँ पे, ये व्हाइट ऊपर का है। अब यहाँ पे देखेंगे कि येल्लो जो है, सॉरी, ये जो कलर है ऑरेंज कलर जो है वो यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, यानी ये, ठीक है, व्हाइट ऊपर है ये, तो ये भी सही तरीके से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि अब देखिए व्हाइट यहाँ पे है लेकिन ये कलर जो है तीनों और कहीं पर भी नहीं, तो ये गलत बैठा हुआ है। इसके बाद ये जो कलर है यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, फिर से हमारे 2 जो है ठीक से बैठे हैं, यानी ये 2 2 ठीक से बैठे हैं लेकिन ये जो 2 है ये ठीक से नहीं बैठे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एक स्टेप करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, जो कलर आपका, अब ये 2 ठीक से बैठे हुए हैं इसलिए हमें क्या करना है, क्यूब को पकड़ना है ऐसे, यानी जो ठीक से बैठे हुए हैं उनको आपको आपके ऑपोजिट साइड में, और जो नहीं बैठे हैं उनको आपको फ्रंट में, और वही स्टेप करनी है। एक बार लेफ्ट को नीचे से ऊपर, टॉप लेयर आपको राइट से लेफ्ट करना है, राइट लेयर को आपको नीचे से ऊपर, फिर से हमने ऐसे घुमाया था, फिर से वापस, येल्लो आएंगे तो नीचे कर लेंगे, फिर से आपको एक बार ऐसे घुमाना है, फिर से येल्लो आएंगे तो नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारे कितने कोने अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, तो ये ठीक से बैठा हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो है अभी तक ग्रीन यहाँ पे है लेकिन ऑरेंज कहाँ पे भी नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद देखें ये जो है ब्लू कहीं पर भी नहीं, तो ये भी गलत है, 2 गलत है। यहाँ पर देखें एक जो है, ये जो कलर है कहीं पर भी नहीं, तो ये भी गलत है। तो हमारे जो 3 में से ये जो 3 गलत है लेकिन एक जो है सही तरीके से बैठा है, तो यही हमें चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप 2 लेयर सॉल्व करते, ये नीचे वाला लेयर सॉल्व करते करते आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलते तो इससे पहले मैंने जो स्टेप की है वो आपको
गाइडलाइन करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो ठीक से बैठा है और ये जो तीन जो है गलत बैठे हैं, इसके लिए हम जो एज में जो हम करने वाले हैं वही हम करेंगे। तो क्यूब को पकड़ेंगे हम, हमारे सामने जो ठीक से बैठा है उसे हम राइट कॉर्नर में रखेंगे, यहाँ पे टॉप में राइट में इस पर, और वही हम स्टेप दोहराएंगे। इसको नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार लेफ्ट करेंगे, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को फिर से रिवर्स करेंगे, और लेफ्ट को नीचे नीचे से ऊपर लिए थे, ऊपर से नीचे लेंगे, फिर से इसको वापस येलो आ जाएगा तो नीचे। अब हम देखेंगे कि हमारा, अब देखिए आपका क्यूब जो है, ठीक है, तो ये जो साइड है पूरी हो चुकी है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, एक ही कोना अच्छी तरीके से, ये सभी कोने अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो है फ्लिप होकर आता है, ये फ्लिप होकर आता है, सिर्फ एक ही अच्छी तरीके से बैठता है। तो यहाँ पे हमारे दो बैठे हैं, तो 3x3 के क्यूब में हम जो लास्ट में यहाँ पे जो स्टेप करते हैं वही स्टेप हम यहाँ पर करते हैं, तो हमारा ये जो ऊपर का लेयर है वो सॉल्व हो जाता है। तो वही स्टेप्स हमें 2x2 के क्यूब में भी करने हैं। तो स्टेप ऐसे हैं, तो इस साइड को ऊपर लेना है एक बार, टॉप को दो बार ऐसे घुमाना है, इसको नीचे से ऊपर लिए थे, फिर से ऊपर से नीचे, एक बार पीछे लेना है, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को फिर से पीछे, येलो आएंगे तो हमें नीचे कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने किया वही हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार घुमाएंगे कुछ इस प्रकार से, इसको ऊपर से नीचे लिए थे तो नीचे से, सॉरी, ऊपर नीचे से ऊपर लिए थे तो ऊपर से नीचे, ठीक है, फिर इसको एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, और हमारा जो येलो आ जाएगा तो हम नीचे ले लेंगे। तो ऐसे करने से जैसे हमारा क्यूब पहले था वैसा ही हुआ है, तो एक थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पे करने वाले हैं, और वो करने के बाद आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि वही स्टेप्स करनी है, ठीक है, तो इसको नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार लेफ्ट करेंगे, इसको नीचे से ऊपर लाए थे, ऊपर से नीचे एक बार, इसको दो बार घुमाए थे तो एक बार वापस, फिर से इसे नीचे से ऊपर, फिर से वापस, येल्लो आएंगे तो नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हमें करना है, जैसे हमने इसे नीचे से ऊपर लिया था तो हमने सबसे पहले तो ऐसे घुमाया था, तो आपको क्या करना है, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है ऐसे, ये होगा एक बार और ये हो गया दो बार, ठीक है, नीचे से ऊपर लिए थे, ऊपर से नीचे, ठीक है, इसको ऐसे घुमाया था, फिर से वापस नीचे से ऊपर लेंगे, फिर से हमारे जब येल्लो आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से घुमाकर हमारा ये जो 2x2 का रूबिक्स क्यूब है हम 3x3 क्यूब के जैसे ही सॉल्व करेंगे, और ये आपका क्यूब जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो क्यूब के वीडियो है, टेक्निकल के वीडियो है, ये मेरे जो यू टेक्निकल टीचर आप चैनल देख रहे हो इस पर मैं हमेशा लेकर आता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो में जो स्टेप्स दिखाई दिए हैं उनसे आप दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। सबसे आसान तरीका मैंने इस वीडियो में दिखाया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो आपने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।